महानगर स्थित सीतापुर आई हॉस्पिटल में रविवार को संजीवनी हीमोफीलिया सोसाइटी गोरखपुर की मासिक बैठक संपन्न हुई। संजीवनी हीमोफीलिया सोसाइटी गोरखपुर द्वारा आयोजित की गई बैठक में मरीज व परिजन मिलाकर करीब 110 लोग मौजूद रहे, जिसमें मुख्य डॉक्टर यस्सी कौशिक, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आर्थो सर्जन डॉक्टर संदेश श्रीवास्तव, फिजियोथेरेपी डॉक्टर राजेश कुमार शुक्ला और पीजीआई लखनऊ की जागृति श्रीवास्तव मौजूद रही। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी फैक्टर संग्रह को बढ़ाया जाए, साथ ही कुछ और अन्य स्वास्थ्य विभाग पर भी यह व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संजीवनी हीमोफीलिया सोसाइटी गोरखपुर की सदस्य अंजू वर्मा ने कहा, मैं अंजू वर्मा, हीमोफीलिया सोसाइटी गोरखपुर से। ये बीमारी है जो अनुवांशिक कहते हैं, जो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 नहीं होता है, कहीं कट फट जाने पे ब्लड का थक्का नहीं जमता है, जिससे बच्चे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ब्लीडिंग होती है, जिससे बच्चे विकलांगता की ओर चले जा रहे हैं। मेरा खुद का 13 साल का बेटा है, हीमोफीलिया फीलिक है, और मैं अपने गोरखपुर कमिश्नरी में लगभग 265 बच्चे हैं। मैं चाहती हूँ हीमोफीलिया सोसाइटी गोरखपुर में अपने हो, और इस सोसाइटी से मेरे जितने बच्चे जो 12-13 साल की अवस्था में विकलांग हो जा रहे हैं, उन बच्चों को यहाँ पे फैक्टर के लिए सरकार मुझे सपोर्ट करे। मैं ये भी चाहती हूँ कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अलावा कम से कम या तो एम्स में या सदर में या गोरखनाथ में भी फैक्टर हो, जो हमारे बच्चे लखनऊ जाते हैं वो चीज़ हम गोरखपुर में करना चाहते हैं। इन बच्चों को अगर समय से फिजियोथेरेपी दिया जाए तो ये बच्चे विकलांग नहीं होंगे, इसी समय से फैक्टर मिल जाए तो ये बच्चे विकलांग नहीं होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि मुझे आप लोग सपोर्ट करें, हमारे गोरखपुर में जो लखनऊ में जो व्यवस्था है वो हम अपने सोसाइटी के जरिए यहाँ गोरखपुर में बनाएं। तो मुझे यहाँ पे आप लोग जो ये शिविर लगा रहे हैं, इसमें आप लोगों को कौन सा किस तरह का सहयोग मिलता है? इसमें हम लोगों को ये दिखाना कि फैक्टर जो गोरखपुर में 15 से 16 दिन होता है, फिर फैक्टर ख़त्म हो जाती है, और फैक्टर भी हमारे पेशेंट को बहुत आसानी से नहीं मिलती है। अगर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में छोटे बच्चे जो 1 साल से 12 साल तक के बच्चे, उनको फैक्टर आसानी से मिलती है, लेकिन जो 14 साल से लगभग 100 साल तक है या 60 साल तक है, तो उनको फैक्टर के लिए 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इनको फैक्टर जैसे लखनऊ पीजीआई में मिलता है, जैसे केजीएमसी में मिलता है, वही चीज़ हम लोग अपने गोरखपुर में करना चाहते हैं। कुछ फैक्टर हमारे सोसाइटी में, क्योंकि हम लोग अपने सोसाइटी में पेशेंट बुलाते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास फैक्टर नहीं है, और पेशेंट इतने परेशान होते हैं। अब जैसे आप एक बच्चा, आप ये देख लीजिए, ये बच्चा जा रहा है समय से, ये कटेगा फटेगा, ये बच्चे बिल्कुल विकलांग हो जा रहा है, इनका ब्लड बहता ही रहेगा। अगर मेरे पास रिजर्वेशन के लिए पैसे नहीं हैं, या हमारे लिए लखनऊ जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हम जब तक जाएंगे, ऐसा नहीं है कि जोड़ों में ही ब्लीड है, हो सकता है कि इसके 7-8 घंटा हम सफ़र तय कर रहे हैं और भी जगह इनको इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे गोरखपुर में खुद फैक्टर हो, इनको प्रोवाइड कराया जाए। सीएम साहब मेरी मदद करें, जो भी हो आप लोग सांसद जी मदद करें, आप लोग सपोर्ट करें। मैं ये चाहती हूँ, मैं महीने के पहले संडे मीटिंग करती हूँ, आप लोग यहाँ पे देखिए, हमेशा कुछ आपको ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिनके पास खाने को नहीं है, लेकिन फैक्टर उससे कैसे दिया जाए। तो हमारे डॉक्टर एस सी कौशिक साहब मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है, आईएम में सपोर्ट कर रहा है, तो प्लीज़ आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगर फैक्टर है तो वो एम्स में भी फैक्टर प्रोवाइड कराया जाए।